डिवोर्स के ग्राउंड्स में एक पैराग्राफ में एक औरत ने लिखा था, एक बीच में मैंने पढ़ा था एक डिवोर्स केस, जिसमें उसने लिखा था कि मेरा पति मेरे फोन चेक करता है, मेरे मेल्स चेक करता है, मेरे फेसबुक अकाउंट चेक करता है और इंस्टाग्राम अकाउंट चेक करता है, मैं क्या खरीदती हूँ क्या नहीं, वो जो उसके अलग अलग अमेजोन है फ्लिपकार्ट है उसके वो चार्ट चेक करता है, उसके ऊपर से झगड़े करता है मेरे से कि तू ये क्यों खरीदती है, तू वो क्यों खरीदती है, मैं खुद कमाती हूँ तो ये मेरा अधिकार होना चाहिए कि मैं कहाँ पे मेरे पैसे खर्च करूँ। तो वो बात उन्होंने सही कही थी कि आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी के अंदर हर एक इंसान को, हर एक व्यक्ति को अभिव्यक्ति स्वतंत्रता है कि वो उसके स्पेस में, उसके प्राइवेसी में किसी को भी, किसी को दखल अंदाजी देने का कोई अधिकार नहीं है। और उसकी अभिव्यक्ति स्वतंत्रता ये है कि वो अपने पैसे अपने मर्जी से खर्चा कर सकती है या उस पर कोई पाबंदी नहीं लगा सकता है कि अगर वो उसके हार्ड एंड उसके खुद की कमाई के पैसे होते। और अगर कोई पति उसके प्राइवेट मैसेजेस चेक कर रहा है और अगर कोई उसके मैसेजेस में हस्तक्षेप कर रहा है या फिर ये तूने क्यों भेजा या ये किया, तो ये गुनाह है और ये एक ग्राउंड हो सकता है क्रुएल्टी का और उसके अगेंस्ट क्रिमिनल एक्शंस भी ले सकते हैं अगर उसकी प्राइवेसी को इंफ्रिंज करते हैं तो।